नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। हम आपके लिए अपडेट लेके आते रहते हैं रेगुलर यमुना अथॉरिटीज के सेक्टरों का, जिसमें अभी जो नई स्कीम चल रही है उसके लिए भी हमने काफी वीडियो बनाई और आप तक पहुंचाई कि इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें भी काफी कॉल्स और मैसेज अभी भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें काफी लोगों को अभी भी डाउट्स है कि क्या ये फील्ड भरने हैं या नहीं भरने, क्या ये अभी सेक्टर कहाँ पे है, क्या यहाँ पे किसान खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो काफी सारे अभी भी डाउट्स हैं। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो डाउट्स आज आपके खत्म हो और आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इजीली आप फॉर्म भर पाए। तो देखिए, काफी लंबे समय से हर वर्ग के लोग चाहते थे कि एक इन्वेस्टमेंट कर ली जाए यमुना अथॉरिटीज के सेक्टरों में, मगर रीसेल का जो रेट है वो काफी ऊपर तक पहुंच चुका है, तो हो सकता था कि नहीं जा पा रहे थे। इसलिए यमुना अथॉरिटी ने स्कीम निकाली जिसमें हर तरह के वर्ग के लिए, चाहे वो छोटे साइज के प्लॉट हो या बड़े साइज के प्लॉट, जो भी अपने हिसाब से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। हर सेक्टर का ऑप्शन दिया गया है, चाहे वो सेक्टर 16 है, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 22 भी। और छोटे साइज के प्लॉट हैं सारे, जिसमें आप 60 मीटर से लेके 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स आप यहां पे देख सकते हैं। ये तो होगी प्लॉट्स की बात। इसके साथ जो स्कीम है RPA 06, अगर आप यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो देखिए, यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट के साथ कुछ फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं, जो साइड में पहले उन्होंने बिल्कुल यमुना अथॉरिटीज की तरह ही अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। तो प्लीज अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो पहले एक बार चेक कर लें। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले वेबसाइट का जो नाम है वो है yamunaexpressway.com। जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यमुना अथॉरिटी की जो आप एडवर्टाइजमेंट है, जो स्कीम की एडवर्टाइजमेंट, वो आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले आप स्कीम को देखिए। स्कीम देखने के बाद कुछ और हाइपर लिंक आएंगे, उनको क्रॉस करते करते जैसे आप जाएंगे तो होम का बटन, होम के बटन से आगे अगर आप चलेंगे तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है। सबसे पहले आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको ब्रोशर देखना है। ब्रोशर के अंदर जितनी भी कंडीशन इस स्कीम के लिए रखी गई है उनको आप रीड करिए और रीड करने के बाद ही अपना फॉर्म भरिए। साथ अप्लाई हर का बटन है, अप्लाई हर के बटन पर जैसे जाएंगे तो आपको सबसे पहले चार ऑप्शन आएंगे। चार में से सबसे पहले ब्रोशर, आपको अपना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है, जो कि 590 रुपए की आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है ICICI के पोर्टल पे जाके। ये तो होगी स्कीम की बात, जो कि RPA 06 है। अब करते हैं बात इसके अंदर डाउट जो अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि हर हम अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से आपको लोकेशन पे भी ले जाके दिखा चुके हैं, मैप के थ्रू भी दिखा चुके हैं और साथ में आपको हर डाउट्स खत्म करने की कोशिश भी करी है पुरानी वीडियो के माध्यम से। देखिए, अभी जो डाउट्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहा है कि क्या को एप्लीकेंट भरना है या नहीं भरना है। जो को एप्लीकेंट है, आप जैसे ब्रोशर पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 15 है जिसमें 1, 2, 3 करके उन्होंने पॉइंट डाले यमुना अथॉरिटी की तरफ से। तो देखिए, को एप्लीकेंट जो है, को एप्लीकेंट का रोल बस इतना है, क्योंकि कई लोगों के कॉल्स जो आते हैं वो आते हैं कि सर को एप्लीकेंट अगर हम भर देते हैं तो कल क्या हम दो लोगों के नाम से रजिस्ट्री होने वाली है, क्या इसके अंदर ये प्लॉट हमारे नाम पे अलॉटेड हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। को एप्लीकेंट जो आपसे भरवाया जा रहा है उसका बस सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जो एप्लीकेंट है फर्स्ट एप्लीकेंट और साथ में को एप्लीकेंट, अगर इनकेस फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ कोई भी हैपनिंग घट जाती है ड्रॉ होने से पहले, तो को एप्लीकेंट उस ड्रॉ को खेल सकता है और उसके नाम से वो प्लॉट अलॉटेड हो जाएगा अगर कोई भी हैपनिंग घटती है। इसके अलावा ये नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम दो नाम भर देते हैं तो साथ में पता चले कि भाई हमारे दो नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी आने वाले समय में, जब भी रजिस्ट्री होगी। पहला पॉइंट आपका ये था को एप्लीकेंट से रिलेवेंट। सेकेंड जो डाउट्स आता है लोगों को, ये आ रहा है कि क्या ये प्लॉट जो है आज हम परचेज करते हैं तो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि देखिए, लोन मिल सकता है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं कहा गया है कि भाई लोन नहीं मिलेगा या मिलेगा, मगर हाँ, पुरानी स्कीम को देखते हुए ये है कि हाँ, इसमें आपको लोन मिलेगा, आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर आप ड्रॉ के अंदर जाते हैं, मगर जो 10% की पेमेंट जो आपको देनी है वो सेल्फ आपको अरेंज करनी होगी अपने पास से। तो दूसरा था लोन के रिगार्डिंग। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है मेरे पास वो निकल के आता है कि ये प्लॉट्स लेते ही क्या हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, इन प्लॉट्स को आप नहीं सेल कर सकते। पुरानी स्कीम के अंदर था कि हाँ, आप प्लॉट्स सेल कर पा रहे थे लेने के बाद, मगर यहाँ पे आप प्लॉट्स को सेल नहीं कर पाएंगे जब तक इन प्लॉट्स का फिजिकली पोजीशन आपको नहीं मिल जाता और साथ में आपके प्लॉट्स की रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी जब तक आप इन प्लॉट्स को सेल नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि मेरे पास आता है कि ब्लड ट्रांसफर होगा या नहीं होगा।
तो बिल्कुल यस, आपका ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा जब ये प्लॉट आपके नाम पे अलॉटेड होगा, उसके बाद ब्लड ट्रांसफर होगा, जो कि यमुना अथॉरिटी का जो ट्रांसफर प्रोसेस है उसी के माध्यम से आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे ब्लड ट्रांसफर में। फोर्थ पॉइंट हो जाता है इस वीडियो के माध्यम, फोर्थ पॉइंट कवर हुआ इसके अंदर। और आगे हम बात कर लेते हैं अब कि लोकेशन को लेके। देखिए काफी लोग अभी भी मेरे से रेगुलर पूछते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है और कहाँ पे ये प्लॉट हमें देखने को मिलेंगे, क्या मौके पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हैं। तो देखिए मैं थोड़ा आपको और ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये यमुना अथॉरिटी का मास्टर प्लान है 2031 तक का। तो 2031 तक का ये मास्टर प्लान है जिसके अंदर सारी चीज कवर करी गई है कि कहां कहां पे कौन सी प्लानिंग करी गई है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो से भी आपको क्लियर करा था, तो इस वीडियो से भी कोशिश करता हूं कि आपको कुछ और डाउट्स क्लियर हो पाए। देखिए आप अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली या नोएडा या ग्रेटर नोएडा, या अगर आप आ रहे हैं फरीदाबाद या इससे गुड़गांव या इस साइड से कहीं से भी आ रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर से, या पैन इंडिया कहीं से भी अगर आते हैं, तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना है। चाहे तो दिल्ली से सीधा डायरेक्टली आप परी चौक की तरफ चलेंगे तो आपको यमुना एक्सप्रेस वे मिलेगा जो कि 0 पॉइंट से चढ़ता है, और 0 पॉइंट से जैसे आप लगभग 10 से 11 किलोमीटर चलेंगे तो आपको ईस्टर्न पेरिफेरल आ जाएगा। जो ईस्टर्न पेरिफेरल है उसके साथ अगर आप आगे चलेंगे तो 2-1 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पे कट आता है गलगोठिया के पास, एक आपको कट दिखेगा। कट से आप अभी उतर सकते हैं क्योंकि जो कट है उससे आप उतर के जैसे आगे चलेंगे तो आपको आगे धनकोट टाउन आएगा। धनकोट टाउन के पास तिरंगा चौक है। तिरंगा चौक से जो अभी स्कीम निकली हुई है, इस स्कीम के अंदर लगभग 477 प्लॉट्स की स्कीम है, और जिसमें से 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो आपको सेक्टर 16 और सेक्टर 22 डी में देखने को मिलते हैं। सेक्टर 22 डी में आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें छोटे साइज के प्लॉट, जो कि आपके 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है, वो आपको सेक्टर 17 और सेक्टर 18 के 8 पॉकेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 300 के जो साइज है वो आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में देखने को मिलेंगे। 300 के अलावा 500, 1000 और 2000 के जो साइज है वो आपको टोटल सेक्टर 20 में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया कि 477 प्लॉट की स्कीम जो है वो किस किस सेक्टर के अंदर आपको प्लॉट मिलने वाले हैं अगर आपका ड्रो में प्लॉट निकलता है। तो देखिए ये जो तिरंगा चौक था जो मैंने आपको बताया, यही कनेक्ट करता है आपके जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर है उनको ये कवर करता है, और इन्हीं से लिंक है कि आप किसी भी सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगर आप तिरंगा चौक से अगर सेक्टर 17 या सेक्टर 16 जाना चाहते हैं तो लगभग ये जो डिस्टेंस होने वाली है आपकी ये 15 से 16-17 किलोमीटर हो सकती है। इसमें अगर आप जाते हैं तो ये कुछ जो रोड है ये कंप्लीट बना हुआ नहीं है, पैच अभी जुड़े नहीं है, कहीं कहीं काम अभी नहीं हुआ है। और जैसे आप सेक्टर 17 या सेक्टर 16 के पास जाते हैं, 130 मीटर रोड है ये आपका, तो आपको सेक्टर 16 सेक्टर 17 का आपको बोर्ड दिख जाएगा और उसी के साथ पैलर आपको सेक्टर 16। तो देखिए यहाँ पे कलर करा गया है ग्रीन कलर। अभी यहाँ पे सेक्टर 16 जो है यहाँ पे किसान खेती कर रहा है, यहाँ कोई भी बोर्ड यमुना अथॉरिटी की तरफ से नहीं लगा है सेक्टर 16 का, और ना ही कोई प्लॉट मौके पे लगा हुआ है, यहाँ किसान अपनी खेती कर रहा है। और साथ में अगर हम सेक्टर 17 की बात करें तो सेक्टर 17 के अंदर भी किसान अपनी खेती कर रहा है। ये डिस्टेंस आपकी तिरंगा चौक से लगभग 15 किलोमीटर हो सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें सेक्टर 18 आपको डेवलप मिलेगी, सेक्टर 20 आपको डेवलप मिलेगी, कुछ जहां आपको प्लॉट्स मिल रहे हो सकता है वो डेवलप है या नहीं है। ये जो सेक्टर है ये डेवलप है, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 डी। ये तो होगी बात कि जहां स्कीम आई है। अगर हम यहां बात कर लेते हैं परियोजनाएं की कि कौन कौन सी परियोजना यहां पे आपको देखने को मिल रही है। देखिए जो आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और काफी लंबे समय से सोच रहे थे, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर हम यमुना अथॉरिटी में फॉर्म भर रहे हैं तो भरना सही है या नहीं है, कि कल हमारा पैसा डबल होगा या नहीं होगा या हमारा पैसा डूब जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो परियोजना है वो भी एक बार बात कर लेते हैं। पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अगर हम यहीं से बात करते हैं तो ये गौर यमुना सिटी है जो कि प्राइवेट टाउनशिप है, जो कि सेक्टर 19 के अंदर है। ये प्राइवेट टाउनशिप है गौर यमुना सिटी। अभी जो आपको यहाँ पे जो इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, अगर हम बात करें सेक्टर 22 डी की तरफ, तो ये आपको पतंजलि लावा और विवो की इंडस्ट्रीज आपको सेक्टर 22 डी की तरफ देखने को मिलती है। और साथ में ये जो आपको कलर दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपका रिवर है यमुना रिवर जो ये जा रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें सेक्टर 21, सेक्टर 21 के अंदर फिल्म सिटी है, जो कि उम्मीद है
दिवाली से पहले इसका ग्लोबल टेंडर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर इस बार यमुना अथॉरिटी और राज्य सरकार की तरफ से छोटी कंपनी भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और लीज का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो भी काफी अच्छा दिया गया है कि 90 ईयर्स तक वो कंपनी लीज होल्ड कर पाएगी जो भी इसको ऑन करेगी फिल्म सिटी के लिए। तो देखिए ये तो था आपका सेक्टर 21 फिल्म सिटी सब। और साथ में बात कर लेते हैं ISBT की। सबसे बड़ा जो बस टर्मिनल है वो अभी दिल्ली के अंदर है, मगर इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनने वाला है ISBT, तो वो भी आपको आने वाले समय में आपको बिल्कुल सेक्टर 20 के पास आपको, जो कि काफी बड़ा आपको फ्यूचर में ISBT यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट नगर और साथ में कार पार्किंग के लिए भी काफी फैसिलिटीज आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जो कि जिसके लिए भी सेक्टर, अगर हम इन सेक्टर की बात करते हैं जो पर्पल कलर दिए हुए हैं, इसके अंदर इंडस्ट्रीज है जो कि अभी सेक्टर 28 के अंदर आपका जो इंडस्ट्री है वो मेडिकल डिवाइस से रिलेवेंट, जिसके अंदर ऑलरेडी पुराने अलॉटमेंट हो चुके हैं। सेक्टर 28 के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो मेडिकल डिवाइस से रिलेवेंट ही आप इसमें काम कर पाएंगे। सेक्टर 29, सेक्टर 33, सेक्टर 32, सेक्टर 32 के अंदर ऑलरेडी काफी सारी इंडस्ट्रीज आ चुके हैं जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी लोगों का इंटरेस्ट है सेक्टर 32 की तरफ भी। आने वाले समय में आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर भी देखने को मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पे कार पार्किंग की बड़ी फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम आगे की बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, तो आपको एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम उद्योग की बात करें तो आपको कई तरह के उद्योग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप टेक्सटाइल पार्क देखने को मिल रहा है, हैंडलूम दिख रहा है, टॉय सिटी दिख रहा है और मेट्रो कोच फैसिलिटीज के तौर पे सेक्टर के अंदर दिए गए हैं। तो ये जो मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान आपका 2031 का था, इसको एक्सटेंड करा गया है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, जो कि 2041 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए ये बात थी आपकी स्कीम को लेकर और यहाँ पे किस तरह की परियोजना है। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जो अभी स्कीम चल रही है, ये यमुना अथॉरिटी की तरफ से बहुत ही अच्छी स्कीम निकली हुई है, इसमें आप अप्लाई करिए और उम्मीद करिए कि आपका एक प्लॉट इस स्कीम के अंदर निकल जाए। यहाँ पे जो अभी रेट आपको देखने को मिल रहा है वो लगभग 18,510 का रेट है, जिसका आपको 10% की पेमेंट करनी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में छूट भी दी गई है, जैसे फार्मर्स को अगर इंडस्ट्रियल, किसी के पास इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है या इसके अलावा कोई भी फिजिकली हैंडीकैप या किसी भी टाइप की ऐसी डिसेबिलिटीज है, तो उन लोगों को भी इसमें छूट दी गई है। तो वो भी आप एक बार जरूर सबसे पहले आप अपना जो एनेक्सर है यमुना अथॉरिटीज की तरफ से उसको आराम से रीड करिए, तो रीड करने के बाद आपको सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उम्मीद यही है कि अगर जब भी आपको डाउट आए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कॉल भी आ रही है कि जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म भरने जब जा रहे हैं तो हमारा जो रीडायरेक्ट, अगर हम बैंक के पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं तो एरर आ रहा है और हमारी साइट नहीं चल पा रही है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसे इश्यू आते हैं तो आप डायरेक्टली यमुना अथॉरिटीज के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और भी जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो भी आप डायरेक्टली यमुना अथॉरिटीज के ऑफिशियल जो हेल्पलाइन है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्कीम आपको, ये जो मैंने आपको दिखाया सारा, ये आपका मास्टर प्लान था और मास्टर प्लान के हिसाब से मैंने आपको समझाया। तो देखिए आने वाले समय में आपको जो प्लॉट मिलने वाले वो इसके इस क्षेत्र में मिलने वाले, और अच्छा मौका है प्लॉट्स में जाने के लिए अगर आपका ये प्लॉट निकल जाता है। तो बस यहाँ पे डाउट्स खत्म करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई गई थी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर यमुना अथॉरिटीज के किसी भी सेक्टर के बारे में अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या किसी भी तरह की लैंड, तो आप हमें चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, चाहे आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। हर तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को करेंगे समाप्त, जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो। नमस्कार भाइयों।